हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। उसके बाद उसके अगले वीडियो में हमने देखा था बूलियन कि बूल डेटा टाइप C99 में एक और ऐड हुआ है। और यू कैन C99 का मतलब हमारे सी ही है, लेकिन ये कुछ ऐसे हिडन फीचर्स है ना जो हमने कभी हाईलाइट ही नहीं करी। ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से कुछ ये C99 कोई अलग लैंग्वेज है, ये भी सी ही है, जो हम पढ़ रहे हैं वही सी है। लेकिन कुछ जो फीचर्स थे ना जो कभी हाईलाइट ही नहीं हुए, यानी कि हमने एक यूज़ नहीं करे या मेजरली बुक्स में मेंशन नहीं हुए, तो ये वो फीचर्स हैं। जैसे कि बूलियन कीवर्ड C99 में ऐड हुआ है ना, और इसके हम मतलब सी के हायर वर्जन C89 के ऊपर वाले वर्जन में ऐड हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम पूछते हैं कि भाई सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, तो जनरली यही आंसर होता है कि सी कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, सी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक, तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी में कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे डील कर सकते हैं। तो C99 में एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। अगर मैं लिखता हूँ मैंने लिखा यहाँ पर फ्लोट कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स A1 इक्वल टू 6+8i कैपिटल आई, A1 इक्वल टू 6+8i। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं उसे कहाँ स्टोर कर रहा हूँ, A1 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, और मैं कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी आइदर फ्लोट टाइप और डबल टाइप, या तो मैं यहाँ पर फ्लोट यूज करूंगा या डबल यूज करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली इंटीजर टाइप नहीं होते, या तो फ्लोट टाइप होंगे या डबल टाइप होंगे। तो देखो A1 ने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को भी स्टोर कर लिया। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट परसेंटाइल एफ, क्योंकि ये फ्लोट है, परसेंटाइल एफ एक इमेजिनरी पार्ट के लिए, एक रियल पार्ट के लिए। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा मैं कि मैं जैसे अगर मैं A1 लिखता हूँ, मुझे बताना पड़ेगा कि A1 के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। अगर मैं इस लाइन को छोड़ देता हूँ और प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ एक बार, तो देखिए ये प्रोग्राम ना एरर फ्री है अभी, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, जब मुझे इसको प्रिंट करना होगा, इस डेटा को मुझे प्रिंट करना है या डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं इसको कैसे प्रिंट करूँगा अगर मैं केवल A1 लिखता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर एक कुछ मतलब एक गार्बेज टाइप की वैल्यू आ गई, तो A1 से ऐसे मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ पर रियल पार्ट को अलग एक्सेस करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट को अलग एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास दो इनबिल्ट फंक्शन है, जो कौन सी हेडर फाइल में है, कॉम्प्लेक्स डॉट एच डॉट एच। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसके लिए हमें हेडर फाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट को, ये इमेजिनरी और रियल पार्ट को एक्सेस करने के लिए मुझे दो फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। तो उन फंक्शंस के लिए मेरे को हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो पहला फंक्शन क्या है, सी रियल, सी रियल इसका रियल A1 का, देन सी इमेजिनरी इमेज A1 का। ओके, मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे आंसर दिखा दिया कि रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसमें रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट में क्या दिखा देगा, जीरो। रियल पार्ट में दिखा देगा जीरो, इमेजिनरी पार्ट में दिखा देगा 8। और बाय चांस अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है और रियल पार्ट है, तो रियल में कर देगा 8, इमेजिनरी में दिखा देगा 0। इन दिस वे वी कैन डील विद द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो। तो सी में हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डील कर सकते हैं। अगर यहां पर मैं डबल ले सकता हूँ, डबल एल एफ 100+78i, जैसे यहां पर दिखाते हैं। अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, A2 10 और 18,
मैं लिख दिया रियल पार्ट को, ए टू के रियल पार्ट को ऐड कर दिया। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में, ए वन के इमेजिनरी पार्ट में ए टू के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया लाइक दिस। तो दिस विल गेट आंसर लाइक दिस। ओके, इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि अभी ये केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, केवल इंट्रोडक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों ने अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ नहीं करे होंगे सी में, अब वो यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो आगे हम इसके कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी, थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स भी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना है तो सी मुझे इसकी फीचर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, C99 मेरे को ये फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये शायद ही अननोन फीचर था, तो यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस ऑल्सो। ठीक, इस तो अभी तक हमने जो डिस्कस कर लिया ना, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कर लिए, उसमें हमने एक डेटा टाइप और ऐड किया, दैट इज़ बुलियन। तो आपको अपने नॉलेज बेस में रखना है वो कि बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है। ऐसे ही एक नया फीचर ऐड किया कॉम्प्लेक्स, तो ये भी अपने आपको आपको अपने नॉलेज बेस में रखना है कि ये कॉम्प्लेक्स भी एक, हम कॉम्प्लेक्स डेटा से भी डील कर सकते हैं। पहले हम किससे कर रहे थे, करेक्टर डेटा से कर रहे थे, फ्लोट डेटा से कर रहे थे, इंटीजर से कर रहे थे, डबल से कर रहे थे, बुलियन से कर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा से भी हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डील कर सकते हैं विद द यूजिंग द कीवर्ड कॉम्प्लेक्स। और कौन सी सपोर्टिंग हेडर फाइल होती है, कॉम्प्लेक्स डॉट एच। तो ये हमारा ये जो डेटा टाइप्स है उनका पार्ट हमने अभी काफ़ी हद तक कवर कर लिया, लेकिन इसके बाद, इसके आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं बताऊँगा कि लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, इन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।